लॉकडाउन 2.0 है, लेकिन ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपनी फसल को लेकर। लेकिन सरकार ने किसानों को लॉकडाउन पार्ट 2 में छूट देकर किसानों की समस्या का काफी हद तक अंत कर दिया है। जी हाँ, लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार ने धरती के अन्नदाता को अपने खेत में काम करने की पूरी छूट दी है, क्योंकि यह समय रबी की फसल की कटाई का है और लगातार किसान अपने खेत में कटाई करते देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन में आम आदमी तो घरों में कैद हैं, लेकिन देश का अन्नदाता किसान अपने खेत में देश के लिए काम कर रहा है। जी हाँ, अपने खेत में काम करने की इजाजत शासन प्रशासन ने दी है और इसके लिए प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि किसानों से जाकर उनकी समस्या पूछी जाए और अगर जरूरत पड़े तो उनके गेहूं का मूल्य तय कर उनसे गेहूं भी खरीदे जाएं। लेकिन किसान परेशान है क्योंकि मौसम की मार लगातार जारी है। 2 दिन से बूंदाबांदी हो रही है, जिसको लेकर किसान परेशान है क्योंकि खेत में गेहूं की फसल खड़ी है और अभी इसे काटा भी नहीं जा सका है। इसलिए किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। छूट तो दी है, लेकिन ऊपर से मार भी है फसल की और लोगों का घरों से निकल नहीं रहे हैं। किसान आ रहे हैं तो कुछ कम ही आ रहे हैं, परेशानी हो रही है सभी को। किसान तो हर जगह बढ़ता ही है, कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, कोई सरकार से एक्स्ट्रा किसान को हेल्प नहीं मिल रही। नहीं, सरकार जिस तरीके से कह रही है कि किसान से डायरेक्ट गेहूँ खरीदा जाएगा, अभी तक तो कोई नहीं, कोई सेंटर चालू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी। कोई आदेश आपके पास? आदेश नहीं है सर, कोई अधिकारी आपसे मिल? कोई नहीं मिलने आज, कोई नहीं। तो लगभग गेहूँ की कटाई तो अभी आधी हुई है या अभी रह रही है? अभी तो स्टार्ट हुई, तो काफ़ी रह रही है गेहूँ की कटाई, रह रही है। तो क्या कहते हैं अगर गेहूँ कोई सरकार डायरेक्ट खरीदती है तो उस पर आपके क्या है? हाँ बिल्कुल देंगे जी, सरकार के साथ हैं सब तरह से। लेकिन राहत की बात यह है कि लॉकडाउन में किसानों को अपनी फसल काटने की इजाजत दे दी गई है, साथ ही सरकार किसान से अच्छा मूल्य देकर जल्द ही किसान से गेहूं भी खरीदेगी, जिसके लिए सरकार तमाम तैयारियां भी कर रही है। लॉकडाउन पार्ट 2 के आज हम किसानों की समस्या से आपको रूबरू कराते हैं। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात आई है कि सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है कि जितना भी गेहूं है किसानों का वो सही दाम लगाकर उनसे किसानों से खरीदा जाएगा। मगर किसानों के चेहरे पे अभी मायूसी झलक रही है और वो कहीं ना कहीं निराश है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर मेरठ में आपको बता दूँ कि मौसम भी खराब है और बूंदाबांदी भी दिख रही है। तो किसान की फसल भी देख सकते हैं कि किस तरह से खड़ी है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और लगातार किसान अपनी गेहूँ की कटाई कर रहा है, मगर यहाँ पर मौसम की वजह से किसान नाखुश नजर आ रहा है। और जयभीम टीवी लगातार आपको हर खबर से अपडेट करता नजर आ रहा है। अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, कृपया मास्क लगाइए, अपने आपको हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए। जयभीम टीवी के मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।